हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज मैं अभी खड़ा हूँ जीजीयू में, और जीजीयू में अभी क्या हो रहा है कि जो यूजी है, यूजी का गाइज आज काउंसलिंग चल रहा है, और काउंसलिंग के लिए जीजीयू बहुत भीड़ है गाइज, और ये भीड़ में आप लोग आज बहुत कुछ देख सकते हैं, जैसे कि इस टाइप का सुविधा मिल गया कि डिपार्टमेंट कहाँ है उन लोग को नहीं पता था, तो यहाँ पे उन लोग को हेल्प मिल गया। कहाँ से आए सर आप? कलकत्ता से एडमिशन के लिए बी फार्मा में। ठीक है, से आए हैं बिलासपुर से। यहाँ तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन आपका? पहले 10th का मार्कशीट, फिर 10+12 का मार्कशीट, फिर अगर गैप सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसका एफिडेविट लगेगा। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाहर से, स्कूल जाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं हेल्प करने के लिए। फिर भी कितने जन को कर दियो? 100। कौन से? BLLB, BCOM, LLB? हो गया एडमिशन? डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ? कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा डॉक्यूमेंटेशन में? क्या किस टाइप का प्रॉब्लम? लेट हो रहा है, लेट होता ही है वो अक्सर। और उसको छोड़ के और दूसरा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम? गाइस यहाँ पे जो देख रहे हैं, नया एडमिशन के लिए आए हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट के लिए आए हैं? लॉ डिपार्टमेंट। कहाँ से हो आप? आगरा, यूपी। आगरा से आए हो? अच्छा, तो एडमिशन हो गया फाइनली? हो गया ना? कोई टेंशन दिक्कत नहीं हुआ कुछ? चलो हाँ ठीक है, फिर वेलकम टू जीजीयू। थैंक यू सो मच, वेलकम। हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज मैं अभी खड़ा हूँ जीजीयू में, और जीजीयू में अभी क्या हो रहा है कि जो यूजी है, यूजी का गाइज आज काउंसलिंग चल रहा है, तो यूजी का काउंसलिंग टाइम अभी चल रहा है, तो यहाँ पे मैं अभी आप लोग को अभी दिखाने वाला हूँ कि जीजीयू में हेल्प डेस्क लगाए हैं कि बाकी जो बाहर से जिन लोग आए हैं, ताकि उन लोगों को कुछ दिक्कत ना हो, कि उन लोग कोई प्रॉब्लम फेस ना करे काउंसलिंग में। बहुत लोग का ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन में हो गया, बाकी दूसरे प्रॉब्लम में उन लोग का काउंसलिंग में उन लोग का हो नहीं पाता है, एडमिशन हो नहीं पाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, NSS पैनल हो गया, ब्रदरहुड हो गया, उसके बाद यहाँ पे अपना ABBP पैनल हो गया, इन लोग क्या किए हैं, फ्री में बाहर बैठ के हेल्प डेस्क लगाए हैं, और बाकी जो बाहर से आ रहे हैं उन लोग को हेल्प कर रहे हैं। तो अभी मैं जाके दिखाता हूँ एक एक जगह पे कि वहाँ पे उन लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और जो यूजी के लिए जिन लोग आ रहे हैं, आगे पीजी के लिए जिन लोग आएंगे, क्या हेल्प ले सकते हैं इन लोग से, मैं आप लोग को वीडियो में दिखाता हूँ। तो अभी मैं सामने ये जो है ABBP पैनल वाले यहाँ पे लगाए हैं हेल्प डेस्क, तो उन लोग का मैं दिखाता हूँ उन लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या होती है कि डिपार्टमेंट ढूंढने में, उनको कहाँ पे जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, क्या प्रोसेस है, वो सब के लिए अधिभारतीय विद्यार्थी परिषद उनके साथ खड़ी है और उनके हर समस्याओं का समाधान कर रही है। मातरम, जैसा कि आज UG लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो उसी के लिए हम लोग हेल्प डेस्क लगाए हुए हैं। जैसे ही बच्चे आ रहे हैं उनसे हम कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उनको कुछ भी हेल्प लगेगी, जैसे डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ सबमिट करना है, कहाँ डिपार्टमेंट है, छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक उनको कहाँ रहना है, सब व्यवस्था कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो सेकंड हेल्प डेस्क है गाइस, ये ब्रदरहुड पैनल वालों का है, तो उन लोग का दिखाऊं तो और कुछ इंटरेस्टिंग है। इन लोग क्या किए हैं आज के लिए, आज जो यूजी के लिए जिन लोग काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, हो सकता है कि उन लोग ऑटो का फेस करें, क्योंकि वो ट्रेन में बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय बस आ सकते हैं, मतलब जिन लोग बाय बाइक बाय कार आएंगे तो उन लोग सीधा डिपार्टमेंट जाएंगे, लेकिन जिन लोग बाय बस बाय ट्रेन आएंगे उन लोग तो रुक जाएंगे, तो ऑटो का जो दिक्कत होता है उन लोग हेल्प कर रहे हैं। कि यहाँ पे जो ई रिक्शा यहाँ पे लगाए हैं, मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, बाहर सब ई रिक्शा खड़ा है, तो ये ब्रदरहुड पैनल वाले यहाँ पे ई रिक्शा लगा के बाकी जिन लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोग को यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, डिपार्टमेंट तक ले जा रहे हैं, उन लोग काउंसलिंग में मदद कर रहे हैं। तो भाई आप लोग स्टूडेंट लोग जो यूजी के लिए नया एडमिशन के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को किस टाइप का मदद कर रहे हो? आज सुबह से ही ब्रदरहुड पैनल के कार्यकर्ता यहाँ पे ई रिक्शा के माध्यम से और रात से ही पैनल के कार्यकर्ता लगे हुए, और जो बच्चों को रुकने की फैसिलिटी चाहिए थी या फिर आने जाने के लिए फैसिलिटी चाहिए थी, उनको फ्री ई रिक्शा, और उसके बाद किस डिपार्टमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए अंदर हमारे हेल्प डेस्क लगे। तो यहाँ पे आगे आप और एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो NSS सेल है, NSS सेल भी यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाए हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट से हो आप लोग? कॉमर्स डिपार्टमेंट। अच्छा, इंग्लिश कॉमर्स से सब हैं। यहाँ पे जो नया UG के लिए आ रहे हैं इन लोग यहाँ पे हेल्प डेस्क लगा के उन लोगों को मदद कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट बता रहे हैं, उनको रास्ता बता रहे हैं और कैसे वो अपना काम करेंगे वो सब बता रहे हैं। आप UGD जैसे कि इस टाइप का सुविधा मिल गया कि डिपार्टमेंट कहाँ है उन लोग को नहीं पता था, तो यहाँ पे उन लोग को हेल्प मिल गया। तो यहाँ पे गुरु घासीदास स्टेचू के बगल आगे आने के बाद यहाँ पे फिर से NSS का और एक हेल्प डेस्क लगा है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हो आप लोग? मैं फॉरेंसिक साइंस। मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से। मैथ्स डिपार्टमेंट से।
ठीक है, तो यहाँ पे NSS का हेल्पडेस्क लगा है। हम लोग बता रहे हैं कि किधर से कौन से डिपार्टमेंट में उनको जाना है और कहाँ पे उनकी काउंसलिंग हो रही है अभी। अच्छा, कितने लोग को हेल्प कर दिया अभी तक या खाली बैठे हो? नहीं नहीं नहीं, काउंट नहीं है अभी, कंटिन्यू कर ही रहे हैं। दिलीप झा सर समोसा वोसा भेजे हैं कि नहीं भेजे अभी तक? अभी तक नहीं है। ले चलो, सुना रहे आ रहे रास्ते में। चलो ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आएगा समोसा। तो ये जो देख रहे हैं गाइस, ये यूटीडी है। यूटीडी के बाहर में अभी यहाँ पे ब्रदरहुड पैनल का हेल्पडेस्क लगा है। जैसे कि आप लोग को आगे भी दिखा रहा था, इन लोग ई रिक्शा वाला सुविधा भी दिए हैं। तो इन लोगों को मैं पूछता हूँ कि किस टाइप का इन लोग हेल्प कर रहे हैं और किस टाइप का यूजी वाले को मदद कर रहे हैं। गेट से उनके डिपार्टमेंट तक और उनको जो भी रूम नंबर अलॉट हुआ है स्टूडेंट को वेरिफिकेशन के लिए, वो सारी डिटेल प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो यहाँ पे भी मैं आप लोग को ब्रदरहुड का जैसे दिखाया, उसके बगल में ही ये AVP पैनल का फिर बैनर लगा है और इन लोग भी हेल्प डेस्क यहाँ पे रखे हैं। तो इन लोग भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो यूजी वाले नए बच्चे आ रहे हैं, उन लोग को डिपार्टमेंट कहाँ है, कैसा प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन का, सब कुछ यहाँ पे बता के उन लोग को मदद कर रहे हैं। ये जो है गाइस जीजू का सेंट्रल लाइब्रेरी है और यहाँ पे एक जेरॉक्स वाला शॉप है। तो इसमें आज क्या हो रहा है कि काउंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। ठीक है गाइस, मैं अभी जाके देखता हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में काउंसलिंग चल रहा है और क्या क्या दिक्कत उन लोग फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं जाके दिखाता हूँ। काउंसलिंग हो गया है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना? थोड़ा डॉक्यूमेंट्स गलत बता रहे हैं, मतलब नोटिस इधर उधर कर दिया। डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ। किस टाइप का, मतलब खुद का या उधर का, मतलब डिपार्टमेंटल? उसमें जो है अलग बताया था, अभी जो यहाँ पे है अभी जो सबको अलग अलग करवा रहे हैं, सबको सबका ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है। दिए हैं उसमें कुछ दूसरा फॉर्मेट, जैसे सेट बनाने बोले थे। हाँ, अभी यहाँ पे अलग सेट बना रहे हैं। सो यहाँ पे जो देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे फार्मेसी का जो बी फार्मा वाले हैं, बी फार्मा के जो नया एडमिशन करने के लिए आए हैं, मतलब जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं सब यहाँ पे बैठे हैं। तो काउंसलिंग के लिए सब यहाँ पे वेट किए हैं कि काउंसलिंग कब हो जाए और उसके बाद एडमिशन हो जाएगा, तो खुशी की बात है। कहाँ से आए सर आप? कलकत्ता से एडमिशन के लिए बी फार्मा में। क्या नाम है आपका? शुभम पाठक। तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन हो गया है? हैं बाकी है, डॉक्यूमेंट सब भी आए हैं। भाई आप कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से। यहाँ तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन आपका? हाँ। हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हेल्प डेस्क लगा के इन लोग को मदद भी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ताकि आगे पीजी के लिए भी हेल्पफुल हो सके। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो भी न्यू एडमिशन आए हैं उनका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ये मेरिट लिस्ट है, इसके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में सबको अपना डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। पहले 10th का मार्कशीट, फिर 10+12 का मार्कशीट, फिर अगर गैप सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसका एफिडेविट लगेगा ओरिजिनल, फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका कास्ट है, उसके बाद TC, CC और माइग्रेशन है, इनकम सर्टिफिकेट अप्लीकेबल है अगर आप OBC कैटेगरी में है तो, और उसके बाद आधार कार्ड ओरिजिनल, और फिर उसके बाद CUT स्कोर कार्ड और CUT अप्लीकेशन फॉर्म और आधार कार्ड ओरिजिनल लगेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है क्रीमी लेयर के लिए है UG से। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, दो सीक्वेंस बनाना है, एक सीक्वेंस ये और एक सीक्वेंस ये। ठीक है, और अच्छा, दो कॉपी चाहिए। हाँ, दो दो कॉपी चाहिए सबकी, और आपके पास दो फोटोज लग रहे हैं, दो फोटोज लेके जाना है यहाँ से जाके लाइब्रेरी में, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है वहाँ पे, और ओरिजिनल में इसको सबमिट करना है माइग्रेशन। ठीक है, और एक और यहाँ पे सुविधा दिया गया है हमारे डिपार्टमेंट में कि जो भी बच्चे अगर कोई डॉक्यूमेंट लाइक कर रहे हैं, नहीं ला पाए हैं, तो उनके लिए एक फॉर्म निकाला गया है, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट नाम लिख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट लाइक कर रहा है और कब तक आप ला के दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मतलब बिना डॉक्यूमेंट के आए हैं तो भी हो जाएगा? तो भी अगर एक दो डॉक्यूमेंट लाइक है, तो अगर आप पूरा ही डॉक्यूमेंट लेके नहीं आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सो यहाँ पे भी पुराना कैंटीन के बाहर आओ तो यहाँ पे भी जो लगा है, यहाँ पे भी हेल्प डेस्क बैठे हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं नहीं पता, कौन से डिपार्टमेंट से आप? हम लोग आज जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाहर से उन लोग को काउंसलिंग कराने के लिए हेल्प कर रहे हैं। कितने जन करा लिए अभी तक? अभी तक यहाँ पर तो अभी लगाए हैं 37 अभी तक। कितने जूनियर को हेल्प कर दिए हो नए एडमिशन वाले को? सारे सुबह से बैठे हुए हैं हेल्प करने के लिए। फिर भी कितने जन को कर दिए हो? 100 से कम ही है। कितने क्या, कितने कितने लोग को हेल्प कर दिए अभी तक? समोसा वोसा मिल गया कि नहीं खाने के लिए? अभी खाने के लिए आया हुआ है समोसा। तो ये जो है गाइस, ये यूटीडी के अंदर है, यूटीडी के अंदर ये BA LLB और BCOM LLB का काउंसलिंग हो रहा है। BA LLB और BCOM LLB का काउंसलिंग अंदर हो रहा है, तो अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ किस टाइप का हेल्प मिल रहा है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, सब कुछ अंदर जाके आपको दिखाता हूँ।
बी एल एल भी हो, बी कॉम एल एल भी, आपका भी हो गया? अच्छा आपका तो कौन से, बी एल एल बी कॉम एल एल भी हो गया एडमिशन? डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा डॉक्यूमेंटेशन में? क्या किस टाइप का प्रॉब्लम? लेट होता ही है वो अक्सर। और उसको छोड़ के और दूसरा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम? सो गाइज यहाँ पे जो देख रहे हैं नया एडमिशन के लिए आए हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट के लिए आए हैं? लॉ डिपार्टमेंट। कहाँ से हो आप? आगरा, यूपी। आगरा से आए हो? अच्छा तो एडमिशन हो गया फाइनली? हो गया ना, कोई टेंशन दिक्कत नहीं हुआ कुछ? नहीं, 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 चलो बहुत हेल्पफुल थी। हाँ ठीक है फिर, वेलकम टू जीजीयू। थैंक यू सो मच, वेलकम। सो गाइस जीजीयू में किस टाइप का काउंसलिंग हो रहा है, किस टाइप का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, क्या क्या चाहिए और कैसे लोग यहाँ पे जो पैनल है कैसे हेल्प कर रहा है, सब कुछ तो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट में जरूर लिखकर बताना। मैं आज की वीडियो को यहीं रखता हूँ। जय हिंद जय भारत, नमस्कार।